अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग। यार आज आपका भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश है, तबीयत ओके। यार आज हमने ना काम ये करना है कि यार इसको हमने करना है साफ, क्योंकि ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये चीज़ें सारी, ये इधर से काफ़ी दिन से रनिंग जो है ना छोड़ दी थी, पेट भी निकल आया। और दूसरा काम ये है कि ये हमारी जो कैबिनेट थी ना, ये देखो ज़रा, इसमें ना सेम आना शुरू हो गया। प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ, वाइट वाश वगैरह कुछ नहीं हुई, तो इसको हमने भी करना है, पर आज नहीं करना है, इसको करेंगे 1-2 दिन तक जो आपके भाई ने काम किया था। ये देखिए, यहाँ पे कनेक्शन कोई नहीं थे, ये कनेक्शन जो है ना ये मैंने खुद किए हैं। जस्ट यहाँ पे जो मशीन का था, ये ऑटोमेटिक मशीन ये वाली, इसका जो है ना, क्योंकि ऊपर से आता है पानी, इसी वजह से मैंने इसके ऊपर कवर डाल दिया था। इसका जो अपना कवर है वो लाने वाला है। ये कनेक्शन मैंने किया है, और यहाँ से ये कनेक्शन, और ये आपके भाई ने LED लाइट वाटरप्रूफ जो है ना उसका कनेक्शन किया। अभी यहाँ से ना ये जो पट्टी है ना, यहाँ पे आके स्विच बोर्ड के साथ लगेगी, क्योंकि अंदर एग्जास्ट वगैरह का कनेक्शन वो करने वाला है। फिल वक्त मैंने आज ये टाइम निकाल के किया है, और मशीन का कनेक्शन किया है, क्योंकि काफ़ी दिन से बड़ा मसला चल रहा था। अम्मी डिस्टर्ब हो रही थी, कपड़े वाश वगैरह करने थे, ये कुछ उन्होंने कर दी है, कुछ ही रह गए। अब वो सुबह हो गए, क्योंकि रात का टाइम में जस्ट, अब इसको ना इसी को अब हमने साफ करें, टाइम बिना वेस्ट किए हुए तो इसको अल्लाह का नाम लेके नीचे करते हैं। बिस्मिल्लाह, स्लो मोशन। और ये कपड़ा वेट, इसको पहले ऑन करें। ये जी हो गई है ऑन, बिस्मिल्लाह। ये इसका जो मैग्नेट कि आप रनिंग के दौरान इसको स्टार्ट हो गई है, बिस्मिल्लाह। वही, काफ़ी दिनों बाद जो है ना, काफ़ी दिनों बाद मैं इसको चला रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा ये क्या हो गया है। लो जी, इसका पैनल काम करना छोड़ गया। ये देखो, इसका पैनल काम नहीं कर रहा, कि मुझे चलाना भूल गया मैं, नमी आ गई है इसमें। ये देखो, मशीन तो चल रही है, पर इसमें नमी आ गई है। नहीं जी, प्रेस करने से कोई बड़े यार की कस्में भी, यार इतने वो ही देखा ना, इसको हमने यूज़ नहीं किया था, इसको रख दिया, इसकी नमी की वजह से ना। अब उसका की पैड जो है ना काम करना, इसका मैग्नेट उतार के देखते हैं। एरो आ गया इसमें, जस्ट स्टार्ट। यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसमें हार्ट बीट बता रहा है, प्लस इसकी कैलोरीज और डिस्चार्ज और टाइमिंग, ये बिल्कुल, ये देखे, ये स्पीड का है और ये काम ज़्यादा करने का है, माइनस और प्लस, ये स्टार्ट। लो जी, इसका ना पैन एंड उसमें इशू आ गया, वो भी रुक गई है। इसको करते हैं यहाँ से स्टार्ट, इसको हमें पैनल इसका खोलना पड़ेगा। तो ये देखे ना, यहाँ से भी ये देखे, ये चीज़ हो चुकी है यार। इसको ना फिर वक्त अभी कपड़ा वगैरह मार देते हैं। ये बिल्कुल, ये मैंने ना, आप मानोगे नहीं, ये मैंने तकरीबन 57 या 58 की न्यू परचेज की थी, ये है अमेरिकन फिटनेस वालों से, बिल्कुल फ्रेश पीस था, बिल्कुल फ्रेश पीस था, अनटच्ड पीस था, एक स्क्रैच भी नहीं था इसके ऊपर। जस्ट इसको मैंने ना 6 से 7 बार यूज़ किया है। अब वो भी रनिंग करते थे, अम्मी भी करते थे, मैं भी करता था, हसन भाई भी करते थे। अब इसका मसला ये होगा मेरे ख्याल से, जब हम इस पे रनिंग करते नहीं है ना, तो
तो जो पसीने की नमी होती है ना, वो तो या की पैड के अंदर चली गया जिसकी वजह से इसकी नमी आ गई, और जो उसका की पैड है बटन उसके काम करना छोड़ दिया। इसका जो सारा अब पैनल ऊपर से खुलेगा, ये सारा पैनल ऐसे, अब या तो मैं इसको देखूंगा यूट्यूब से देख के इसको खोलूंगा, या तो इसका जो मैकेनिक है उसे ला के दिखाऊंगा, क्योंकि ये टोटली सेंसरेबल मशीन है। क्योंकि हार्ट बीट भी इसने बतानी होती है, कैलोरीज भी इसने बर्न जितनी की करनी होती है वो भी ये बताती है। तो अब इसका खर्चा कोई कम अज़ कम, ये इसका सेंसर भी जो है 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा इसका काफ़ी लंबा लग रहा है। तो यार मेरी तो समझ, मैंने तो सोचा था कि आज ना रनिंग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी दिन से रनिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, रनिंग स्टार्ट करके और जिम भी स्टार्ट करनी है। डम्बल शम्बल मैंने आज ऊपर से उतार लिए थे, मैं कहा यार मैं शाम को जल्दी आ जाऊँ, आज के यही काम करना है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका जो है ना काम लंबा पड़ गया। यहाँ से ऑफ करके देखते हैं, शायद ये वीडियो नहीं भाई जान, बिल्कुल की पैड चल रही है, चल रही है, चल रही है, पर स्पीड अब ज़्यादा नहीं हो रही। इस टाइम ये 8 पे है, 8 पे इसको भागना चाहिए था। लो बाबा जी, ट्रेडमिल तो पूरा पंगा डाल दिया है, और हैवी किस्म का उसने खर्चा करवा देना। मुझे पता ना उसके जो सेंसर है ना, उन्होंने पंगा डालना है उसका। यार एक है सेंसर, रनिंग सेंसर, वो मोटर के ऊपर लगता है, वो भी 4550 हज़ार रुपये का सेंसर जो लास्ट टाइम मैंने डलवाया था, उसके अंदर ना वो नमी आने की वजह से जंग लगा और वो फारग हो चुका है। बड़ा नाजुक सा सेंसर होता है। तो यार क्या करें, बहरहाल इनको मैंने दाना डालना था, कुछ सिस्टर को मैंने बोला था कि चाय पिला दो, अब टेंशन आ गई है, टेंशन दूर करने के लिए तो बेस्ट आयल सिर्फ चाय है। तो छत पे जब मैं आया हूँ तो मौसम इतना सुहाना मौसम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चप्पल मेरे पाँव में कोई नहीं है, और फर्श इतना ठंडा है कि देखो अल्लाह पाक की रहमत, मौसम चेंज हो गया है, विंटर की सर्द जो हवा चलने शुरू हो गई है, ये देखें हवा चल रही है और फुल हैवी किस्म की ठंडी हवा है। और मेरे पाँव उस टाइम ना जैसे सर्दियों में नहीं ज़मीन पे रखे नहीं जाते, ऐसे इसी तरह ही हो रहे हैं कि मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे, इतनी ठंडक है, पत्थर इतना ठंडा हो चुका है हवा के साथ। तो यार आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि टेंशन ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और चाय पिए, आराम करें, रेस्ट करें। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें लाजमी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में भाई को दुआओं में याद रखिएगा, यार थकला ना मैं तो। आज अल्लाह हाफिज़, जाते जाते फिर अंगूठा चढ़ा के रखना।